हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये उन लोगों के लिए है जो टीचिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि कहीं से भी जो है टीचिंग वैकेंसी देखने को मिले। जो लोग बीएड कर चुके हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे जगह पे ये वैकेंसी है। क्या है, कब जो है ये वैकेंसी निकलेगी, कितने क्लास के लिए है, ये सारा डिटेल से जो है हम जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो आप लोग वेट कर रहे हो वैकेंसी को लेकर के कि यहाँ निकलेगा वहां निकलेगा, तब कहीं और से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो है कस्तूरबा विद्यालय को लेकर के है। जैसे कि आपको पता है कि 107 स्कूल्स जो कस्तूरबा के हैं उसको अब 8वीं क्लास से लेकर के 12th यानी इंटर किया जा रहा है। क्लास 8 से बढ़ा करके उसको इंटर तक ले जाया जा रहा है। ये बात तो 2020 एनईपी में भी हुई थी, तो वही चीजें जो है अब लागू हो रही है। तो 107 विद्यालय में नए सत्र में शुरू हो रही है इंटर तक की पढ़ाई। तो जो ये इंटर तक की पढ़ाई शुरू होने वाली है उसके लिए टीचर्स की जरूरत भी होगी, तो वही वैकेंसी जो है बहुत जल्द निकलने वाली है। अभी बस ये इंफॉर्मेशन आया है कि 3000 पदों पर, 3000 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आएगी कस्तूरबा विद्यालय में। तो आप लोग रेडी रहिए सभी लोग। किसके लिए आएगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए आएगी, ये हम बात करेंगे ही। साथ ही साथ जो है ये कौन से क्लास के लिए, क्योंकि 8वीं तक जो है ये वैकेंसी पहले से स्कूल चल रहा है लेकिन अब 8 से इंटर ले जाया जा रहा है, यानी 9, 10, 11, 12 इन लोगों के लिए हो गई। ये तो फिक्स है, यहाँ पे आने वाली है। इसके अलावा भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको बता देती हूँ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, आप सब जानते हो कि रेसिडेंशियल स्कूल है। नए सत्र 2023-24 में 3000 से अधिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक यानी कि टीचिंग का पोस्ट और जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है दोनों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया को गति दे दी जाएगी। ठीक है, प्रदेश में 107 कस्तूरबा विद्यालय को अपग्रेड करके कक्षा 8 से इंटर तक जो है किया जा रहा है। इस तरह इन विद्यालयों में नए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं पहले से चल रहे कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में संविदा पर तैनात पुरुष शिक्षक और कर्मचारियों का नए सत्र में नवीनीकरण नहीं हुआ। जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से रखा गया है उन लोगों का भी रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो वहां पे भी सीट्स खाली हो जाएंगी, इनके पद भी खाली हो रहे हैं। इसे देखते हुए लगभग 3000 से अधिक नियमित और अंशकालिक शिक्षक, अच्छा ये जो वैकेंसी होगी ये परमानेंट और जो है टेम्पररी दोनों बेस पे जो है निकाली जाएगी। तो यहाँ पे नियमित भी होगा, अंशकालिक भी होगा, दोनों पे आपको निकलेगा। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए होगा। अब इससे रिलेटेड जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, कौन कौन से क्लासेस में कितनी वैकेंसीज होगी, पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, ये सभी डिटेल जो है नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम लोग बता देंगे। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे रिलेटेड जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपको आएगा वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये एक वैकेंसी जो है हमारे नजर में है, जो कि जब भी इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो रेडी रहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि अब वैकेंसी आना शुरू हो चुका है। भले ये 3000 है लेकिन इससे अधिक भी आपको देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो में आप कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।